हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल MI टेक्निकल में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे AC के मैकेनिकल भाग, AC में प्रयोग होने वाले मैकेनिकल सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि AC तीन सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम और एयर फ्लो सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैकेनिकल सिस्टम कहते किसे हैं और कौन सा मैकेनिकल, जैसे कि इसके अंतर्गत आता है कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर। ये वो पांचों भाग होते हैं AC में प्रयोग होने वाले, जिसमें सिर्फ गैस का संचार होता है, इसमें लाइट से कोई मतलब नहीं है। मैकेनिकल सिस्टम कहते किसे हैं? AC के जिन-जिन भागों में गैस का संचार होता है, जिसमें सिर्फ गैस घूमती है, उसको किसी भी पाइप से, सिर्फ उसमें पाइपें होती हैं, यानी लाइट से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको पावर देंगे तभी वो काम करेगा, उसको लाइट से किसी प्रकार का मतलब ही नहीं होता है। जिसमें सिर्फ गैस घूमती है, वो एक पाइपें होती हैं, वो पाइपें मैकेनिकल सिस्टम कहलाती हैं। तो जैसे कि हमारा पाइप लगाते हैं खेतों में पानी भरने के लिए, या फिर ऐसे मतलब कहीं पर भी पाइप, टुल्लू पंप में भी पाइप लगाते हैं, तो पाइप पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। तो ये जो पाइपें होती हैं, ये पाइपें कोई इलेक्ट्रिक भाग तो होता नहीं कि उसमें करंट देंगे तभी उसमें पानी प्रवाहित होगा, ऐसा तो है नहीं। तो उसी तरह से यहां पर भी है मैकेनिकल सिस्टम, AC में प्रयोग होने वाले जो मैकेनिकल भाग होते हैं उसमें गैस का संचार होता है, यानी AC के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले पांच भाग होते हैं, जिसमें नंबर एक है कंप्रेसर, नंबर दो है कंडेंसर, नंबर तीन है फिल्टर और नंबर चार है कैपिलरी ट्यूब और नंबर पांच है एवापोरेटर। ये वो पांचों भाग हैं जो मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब के बारे में बताएं, जो सबसे पहले नंबर एक भाग है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है कि कंप्रेसर AC में लगा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, और कंप्रेसर के बिना AC संभव नहीं है, AC कार्य नहीं कर सकती। कंप्रेसर एक ऐसा भाग है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई भी दिया जाता है और उसमें गैस का संचार भी होता है। कंप्रेसर का कार्य होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। कंप्रेसर में दो पाइपें होती हैं, वो क्या करता है, जब हम उसको ऑन करते हैं तो वो एक पाइप से गैस को खींचता है और दूसरी पाइप से गैस को फेंकता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए हम पानी कहीं, अगर कोई हमें ट्यूबवेल चलाना है, एक ट्यूबवेल के लिए आता है ऐसा ना कि पानी को एक तरफ से खींचता है और दूसरी तरफ से फेंकता है, एक तरफ से खींचता है और दूसरी तरफ से फेंकता है। तो इससे क्या होता है कि उसी तरह से भी कंप्रेसर भी है कि वह गैस को एक स्थान से खींचता है, दूसरे स्थान से फेंकता है। अच्छा, जो गैस खींचेगा वही गैस फेंकेगा, ऐसा नहीं कि उधर से कोई और गैस खींच रहा है और गैस को परिवर्तित करके फेंकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एकदम नॉर्मल सा है कि सक्शन लाइन से जो हवा वो खींचेगा, डिस्चार्ज लाइन से वो हवा फेंकेगा। तो कंप्रेसर में ये तीन लाइनें भी होती हैं, जिसमें एक का नाम होता है सक्शन लाइन, एक का नाम होता है डिस्चार्ज लाइन और एक का नाम होता है चार्जिंग लाइन। तो जब हम कंप्रेसर मोटर को ऑन करते हैं ना, जब चालू करते हैं, ये सक्शन लाइन से गैस को खींचता है। नाम से ही क्लियर होता है, सक्शन, सक्शन का मतलब क्या हुआ, खींचता है। तो सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से क्या करता है, गैस को बाहर कर देता है। तो ये कंप्रेसर का कार्य, सबसे महत्वपूर्ण भाग है नंबर एक कंप्रेसर। नंबर दो हमारा इसमें मैकेनिकल भागों में कंडेंसर। कंडेंसर जो है पूरी तरह से सिर्फ मैकेनिकल है, इसमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकल का मतलब नहीं है। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर ये AC में लगा होता है, जो बाहर की साइड में होता है, घर के बाहर की साइड में होता है ना, बाहर पीछे जहां से देखेंगे कभी कभी उधर से पानी जहां से गिरता है, मतलब AC का सबसे पीछे वाला सिरा जो दिखता है हमें, वो कंडेंसर होता है। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर इसमें जो AC में प्रयोग किया जाता है जो कंडेंसर, वो फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है। AC में होने वाला कंप्रेसर जो होता है वो रोटरी कंप्रेसर या सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर होता है, रोटरी कंप्रेसर या सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर होता है। और AC में जो कंडेंसर प्रयोग किया जाता है वो होता है फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर, ये फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है, जिसका कार्य होता है गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके बिल्कुल वेपर से द्रव में, यानी कि वो भाप को पानी बनाता है। किसी भी जल को, द्रव को, पानी को आप जानते हैं कि अगर गर्म किया जाए तो वो भाप बनता है, लेकिन भाप को फिर से ठंडा किया जाए तो वो पानी बनता है। तो कंडेंसर क्या करता है, गैस को घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में, यानी भाप को पानी बनाता है। और जो कंडेंसर प्रयोग किया जाता है AC में, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है, ये कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है, कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। इसमें कॉपर का फिन्स लगा होता है छोटा-छोटा और एल्युमिनियम की पाइपें होती हैं, इसीलिए तो इसका नाम है फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। इसके बाद जो
हमारा तीसरा भाग है, कंडेंसर के बाद हमारा तीसरा भाग है फिल्टर। जब गैस कंप्रेसर से निकल के जाती है कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद फिल्टर में, और फिल्टर के बाद जाती है कैपिलरी ट्यूब में, तो अभी फिल्टर में। तो फिल्टर जो एसी में प्रयोग होने वाला फिल्टर स्टेनर फिल्टर होता है, एसी में प्रयोग होने वाला फिल्टर स्टेनर फिल्टर होता है, जो कि कापर का बना होता है। कापर का देखिए अधिकतम धातुएं जो है ना वो कापर की बनी होती है, तो फिल्टर भी कापर का बना होता है। इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां भरी होती हैं, जिसका कार्य होता है नमी को अवशोषित करना, यानी कि ये नमी को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, सोख लेता है, और नमी को अवशोषित करने का कार्य होता है फिल्टर का। और फिल्टर उसको छानकर शुद्ध भी करता है, और जब शुद्ध करके फिल्टर आगे भेजता है ना, तो जो हमारा अगला पार्ट होता है कैपिलरी ट्यूब। और एसी में जो कैपिलरी ट्यूब प्रयोग किया जाता है वो होती है, उसकी लंबाई होती है 30 से 36 इंच। एसी में प्रयोग होने वाली कैपिलरी ट्यूब की लंबाई 30 से 36 इंच, और उसका जो व्यास होता है 0.54 यानी 0.54 या 0.60 यानी 0.60 या फिर 0.64 यानी 0.64 mm की कैपिलरी ट्यूब, व्यास वाली कैपिलरी ट्यूब प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कैपिलरी ट्यूब का कार्य जो होता है वो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, यानी कि जब कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? एसी में जो प्रयोग की जाती है जो गैस ना जो ठंडा करने के लिए जिस गैस का प्रयोग करते हैं फ्रियान 22, वो होता है रेफ्रिजरेंट। यानी रेफ्रिजरेंट हर वो ठंडा करने वाली गैस को हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करता है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बनाता है। यानी जब गैस जाती है ना शुरू में कंप्रेसर से निकल के, तो तेज गति से जाती है, लेकिन कैपिलरी ट्यूब लगी होने के कारण वो प्रेशर को कंट्रोल करके आगे भेजता है, जिससे प्रेशर कंट्रोल होकर जाती है और उसके बाद पहुंचती है एवापोरेटर में। और एवापोरेटर क्या करता है? किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को अपनी तरफ खींचता है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव, मतलब ठंडक का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वहां की वस्तु हो चाहे वो कोई स्थान हो वो ठंडी हो जाती है। यानी किसी वस्तु या स्थान, वस्तु का मतलब कोई सामान, या किसी स्थान का मतलब किसी जगह की गर्मी को अपनी तरफ खींच है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है। यानी यही एवापोरेटर ही वो भाग है जो ठंडा होता है, और यही वो भाग है जो कमरे के अंदर लगा होता है। तो ये होता है हमारा एवापोरेटर। और एवापोरेटर जो भी होता है हमारा, ये भी फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर होता है। इसमें फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर भी लगता है और फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर भी लगता है। दोनों का जैसे कि बनावट और डिजाइनिंग सब सेम है, लेकिन काम दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस कार्य दोनों का है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।